मोदी जी, पिछले 5 साल में 7 साल में मोदी जी ने मेरे घर पे सीबीआई की रेड कराई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लिया है और लखनऊ के केसर बाग स्थित रिफाई आम क्लब मैदान में आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास के आरोप को लेकर जमकर भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कुमार विश्वास पर तंज कसते हुए कहा कि गाजियाबाद के एक कवि के सपने में आया था कि केजरीवाल आतंकवादी है। तो मोदी जी, पिछले 5 साल में 7 साल में मोदी जी ने मेरे घर पे सीबीआई की रेड कराई, मेरे दफ्तर में सीबीआई की रेड कराई। मैंने कहा आपको कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड कराई, मेरे दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड कराई। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने ईडी की रेड कराई, रॉ की रेड कराई, दिल्ली पुलिस की रेड कराई, सारी रेड करा ली मेरे ऊपर। मैंने कहा जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। तो मैंने कहा फिर? बोले वो एक कवि है, उसके वो बता रहा था कि आप एक कवि है, कोई गाजियाबाद में रहता है कोई कवि, कह रहे वो कवि कह रहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है, उसके सपने में आया था, उसके सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को ये क्या? वो बच्चे समझ गए। भ्रष्टाचार का वो कहते जी उस कवि के सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को कह रहा था कि मैं भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा और 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी मैं कहां भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा? आपकी ईडी को नहीं पता चला, रॉ को नहीं पता चला, सीबीआई को नहीं पता चला, इनकम टैक्स को नहीं। मैंने कहा एक काम करो ना, ये सारी बंद कर दो एजेंसी, उस कवि को ही रख लो, वो ही बता दिया करेगा सपने में क्या आ रहा है और सपने में क्या नहीं आ रहा। ये बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो रॉ, बंद कर दो ईडी, फीडी, क्या दुखी कर रखा है दुनिया को, उस कवि को ही रख लो अपने दफ्तर में, वो कवि बता दिया करेगा। तो इन्होंने तमाशा कर रखा है देश की सिक्योरिटी का, इन्होंने कॉमेडी कर रखी है देश की सिक्योरिटी की। पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।